नमस्कार, मैं कृष्णा सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं मीडिया हंडर न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है, जहां ढाबों में सज रही शराब की महफिलें। ढाबा संचालक करवा रहे नाबालिग बच्चों से शराबियों की सेवा। पूरा मामला थाना जगदीशपुरा के बिचपुरी चौकी के अंतर्गत बने हुए तमाम ढाबों का है, जहाँ शराब के शौकीन शराब और मुर्गा लेकर पहुँचते हैं इन ढाबों पर और फिर जमती है शराब की महफिल और खुलती है शराब की बोतलें। आपको बताते चले, थाना जगदीशपुरा के बिचपुरी चौकी से कुछ ही दूरी पर ये अवैध ढाबे संचालित हैं। यहाँ लोग मुर्गा और शराब लेकर आते हैं। ढाबा संचालक द्वारा मुर्गा बनाया जाता है। लोग ढाबे पर बिना किसी डर के शराब पीते हैं। शराबियों की सेवा के लिए ढाबा संचालक द्वारा नाबालिग बच्चों को रखा हुआ है। ऐसी ही जगह आकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शराब पीते हुए चोरी, लूट, डकैती, मर्डर जैसी आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं, फिर मौका देखकर शहर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आगरा जनपद में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को देखने के बाद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस की नाक के नीचे ये अवैध ढाबे बेखौफ संचालित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि थाना जगदीशपुरा पुलिस इन ढाबों पर क्या कार्रवाई करती है। मीडिया हंड्रेड न्यूज आगरा से ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट। Yeah.